इनफैक्ट जिस दिन प्रीलिम्स था उस रात मैं सो नहीं पाया क्योंकि बॉर्डर पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी. Hello guys, subscribe to this YouTube channel and press the bell icon so that you'll never miss a video of Samkalp IAS. हरविंदर सिंह जी को जो जम्मू कश्मीर से हैं और जम्मू कश्मीर की स्थिति हम सबको परिचित है, गोलियों की दंदनाहट में और दोनों तरफ से जब गोलियां चल रही हों और उसमें कोई प्रतिभागी किस तरह से सिविल सेवा की परीक्षा का संकल्प लेता है और उसे सफल करता है वो सुनेंगे हम श्री हरविंदर सिंह जी से. स्टेज पर बैठे अतिथिगण एवं स्टेज के सामने बैठे हुए सभी अतिथिगण को मेरा शत-शत नमन. मेरा नाम है हरविंदर सिंह. इस बार परीक्षा में मेरा 335वां रैंक आया है और मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ. सर, जैसे कि बता रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम का असर हम सब पे पड़ता है, तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा था. जब मैं तैयारी करता था तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे. इनफैक्ट जिस दिन प्रीलिम्स था उस रात मैं सो नहीं पाया क्योंकि बॉर्डर पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी. वैसे तो मेरा घर सेफ जोन में आता है, शेलिंग वहाँ तक नहीं होती, बट उसकी आवाज़ बहुत आती है. तो कुछ ऐसा ही उस दिन भी हो रहा था. जब मैं एग्ज़ाम देने के लिए निकल रहा था तो शेलिंग की आवाज़ आ रही थी और मेरी माता जी मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए थे. तो उस दिन मेरे दिमाग में ये आया कि, और मैंने अपनी माता जी से कहा भी कि मैं माता जी कोशिश करूँगा कि इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकूँ और एक पदवी तक पहुँचूँ और 30-35 साल तक जब तक देश की सेवा करूँ तब तक शायद हम इस विषय का कुछ सोल्यूशन निकाल सकें और उसमें मैं जो छोटा मोटा रोल निभा सकूँ. मेरी मेहनत इतनी नहीं थी जितना मेरे ऊपर बड़ों की ब्लेसिंग्स थी जिसके बेसिस पे मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाया. और मैं यहाँ पे बैठे सभी पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों का सपोर्ट किया और वो आज सब आप सबको गौरवान्वित कर पाए क्योंकि आपने उनको वो मौका दिया. कुछ ऐसा ही मेरे पेरेंट्स ने भी किया और इसीलिए मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देता हूँ. आज यहाँ बैठे हुए सभी अतिथिगण को मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम भारत को 2050 तक प्रथम देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस मेरी भी यही इच्छा है कि उसमें हम एक रोल निभा सकें और देश को सच में विश्व गुरु बना के छोड़ें. तो यही प्रॉमिस के साथ मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा और संकल्प को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिसके स्टाफ ने हमें हर कदम पे मदद की और हम आगे भी आपकी मदद के लिए हमेशा आपके पास आते रहेंगे. धन्यवाद. धन्यवाद हरविंदर जी. मैं बुला रहा हूँ